उधर साइड पे है हमारा गोबर गैस। गोबर गैस यानी कि जो गोबर से बनती गैस उसे बोलते हैं गोबर गैस। इस टाइप से होता है ये गोबर गैस। ये है ड्रम, इसके अंदर रहती है गैस और इसमें है गोबर। ये गोबर घोल के इसके अंदर जाता है और इसमें बनती गैस, तो गैस बन के ड्रम उड़ जाता है। ये जलता है सिर्फ माचिस से जलता है, लाइटर इसमें यूज़ नहीं होता है। तो मैं आपको भी जला के दिखाता हूँ, थोड़ी सी आवाज़ करेगा ये। तो इसको हम चलाते हैं माचिस से, देख सकते हैं आप जल गया। अगर मैंने बोला था तो देख सकते हैं आप दूसरी रोटी भी फूल गई। तो देख सकते हैं आप गोबर गैस में भी बन सकती है ऐसी रोटियाँ। लोग पता नहीं क्या सोचते होंगे बेचारे इस गोबर गैस के बारे में ना। हेलो दोस्तों, सुबह का प्रणाम, नमस्ते, पहलाग, और नए दिन की शुरुआत हो चुकी नई वीडियो के साथ। तो मैं बता दूँ आपको भी, मैं छत में हूँ अभी, तो मैं नहा के आ चुका हूँ ऊपर। अभी नहाया मैंने, आज जल्दी नहा लेता मैंने, और बाल भी सब ऐसे ही हो रहे हैं, भयंकर ना उड़ रहे हैं। तो मैं आपको ना एक चीज़ दिखाऊँगा जो मैंने आज तक दिखाई नहीं आपको, अभी बताता हूँ मैं आपको ना। उधर साइड पे है हमारा गोबर गैस। गोबर गैस यानी कि जो गोबर से बनती गैस उसे बोलते हैं गोबर गैस। उससे ना कुछ और नाम भी बोलते हैं, तो मुझे कोई याद नहीं आ रहा। वो शायद मीथेन गैस बोलते हैं शायद उसको। तो यार जिसको पता होगा तो कमेंट करके बताना मेरे को। तो शायद से मुझे लगता है कि मीथेन गैस ही बोलते हैं उसे। तो मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगा और उसमें आज बना के दिखाऊंगा खाना। तो चलता हूँ फिर नीचे, फिर दिखाता हूँ आपको, सीधे उसके पास ले आके दिखाता हूँ। अब मैं लेके चल रहा हूँ आपको, जैसे मैंने आपको बता दिया था कि हमारा गोबर गैस है, तो मैं आपको दिखाऊँगा गोबर गैस कैसा होता है। तो आप देख सकते हैं ये मक्के के पेड़, इसमें मक्के भी लगने लग गए हैं इसमें, अब देख सकते हैं आप। तो ये रास्ता जो हमारा गोबर गैस वाला रास्ता ना, उसमें भीड़ मतलब भूड़ ज़्यादा हो गई है, भूड़ भाड़ ज़्यादा हो गया है। तो अभी आपको दिखाऊंगा मैं हमारा गोबर गैस कैसा होता है। इस टाइप से होता है ये गोबर गैस। ये है ड्रम, इसके अंदर रहती है गैस और इसमें है गोबर। ये गोबर घोल के इसके अंदर जाता है और इसमें बनती गैस, तो गैस बन के ड्रम उड़ जाता है। जितना गैस बनेगी उतना ड्रम उड़ता है, और जैसे जैसे गैस कम होगी तो वैसे वैसे ड्रम नीचे बैठता रहता है। और इसका ऑन ऑफ का भी है ये, इसलिए तो अभी बंद है और अब मैंने खोल दिया। अब मैं अंदर जाके किचन में जाके दिखाऊंगा आपको इसमें खाना बना के। ये है गोबर गैस का चूल्हा, और ये जलता है सिर्फ माचिस से जलता है, लाइटर इसमें यूज़ नहीं होता है। तो मैं आपको अभी जला के दिखाता हूँ, थोड़ी सी आवाज़ करेगा ये। तो इसको हम चलाते हैं माचिस से, देख सकते हैं आप जल गया ये। और लोग पता नहीं गोबर गैस का नाम तो सोचते होंगे यार कैसा बनता होगा, उसमें बदबू आती होगी ये वो, मेरे काफ़ी लोगों ने बोला भी है। लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता, हम लोग भी तो खाते ही हैं यार। वो लोगों की अपनी अपनी सोच है, मेंटेलिटी है, तो उसको कोई नहीं चेंज कर सकता। तो देखो मैंने रख दिया इसमें कुकर, चढ़ा दिया है, रख दिया मैंने चावल, बस बन जाएगा। अभी वही नॉर्मली बनता है जैसे सिलेंडर उससे बनता है, वैसे ही गोबर गैस ही बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़े सिंक में बर्तन है, इनको भी धो लेता हूँ मैं। बाकी तो फिर चावल बनी रहा, उसके बाद सब्जी चढ़ानी है, तो पहले इसको धो लेता हूँ फटाफट यार। तो भाई दिन में खाना वाना बनाने के बाद खाना मैंने खा भी लिया था, और जल्दीबाजी में हुआ सब कुछ यार। मैं आप सोच रहा था कि रोटी बनाते हुए दिखाऊँगा गोबर गैस में अपने, तो मैं भूल गया, और जल्दी मैंने खाना वाना खा के फिर मैं सो गया था। और अभी हो चुकी शाम, तो मेरे हाथ में है चाय और हल्की फुल्की बारिश की बूंदाबांदी भी गिर रही है। शाम का मौसम देख सकते हैं आप, अभी बादल लगे, अभी थोड़ी देर पहले थोड़ी तेज़ हो रही थी, अभी तो थोड़ी कम हो चुकी है बारिश। तो अब मैं इसके बाद मिलूँगा सीधा रात में, अब मैं रात में दिखाऊँगा आपको रोटी बनाते हुए, रोटी कैसे बनती गैस के चूल्हे में, मतलब गोबर गैस के चूल्हे में। और तो मिलते हैं फिर सीधे शाम को ही। अब जैसा कि मैंने शाम को बताया था आपको कि मैं रात में मिलूँगा आप, तो मैंने आटा गूंदने के लिए मैंने आटा निकाल लिया और आटा गूंदता हूँ मैं। इसके बाद फिर मैं आपको सीधे दिखाऊंगा आप रोटी बनाते हुए। आटा गूंद के हो चुके हैं तैयार, और मैंने ये चूल्हे में रख दिया है मैंने तवा, और चकला बेलन भी अपना यहाँ पे तैयार है। और उसके बाद अभी तवा गर्म होता तो उसके बाद मैं फिर बेलता हूँ रोटी। अब मैं रोटी बेलना शुरू करता हूँ, कैंडल वो करता हूँ मैं स्टैंड। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी गोल रोटी बना के।
जैसा कि मैंने बोला था, तो देख सकते हैं आप दूसरी रोटी भी फूल गई। तो देख सकते हैं आप गोबर गैस में भी बन सकती है ऐसी रोटियाँ। लोग पता नहीं क्या सोचते होंगे बेचारे इस गोबर गैस के बारे में ना। तो वही रोटी बन के हो चुकी तैयार, और अब मैं अपने लिए कर रहा हूँ दूध गर्म। और इसके बाद आप देख सकते हैं पसीना कितना हो गया भयंकर। और इसके बाद खाना वाना खाने के बाद फिर थोड़ी देर फ़ोन चलाऊँगा, उसके बाद सो जाऊँगा। और मैं उम्मीद करूँगा आज की वीडियो देखकर आपको अच्छा लगा, तो फिर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।